नमस्कार, आप देख रहे हैं सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन। पिछले हफ्ते से बरौली फील्ड के चर्चित फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा था, जहां बिहार के अलग अलग राज्य के टीमें भी खेली, लेकिन फाइनल में दो ही टीम सिवान के ही पहुंची। बता दूं, आज बरौली गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला था। मैच के शुरुआत होने से पहले पूरा हाथी घोड़े के साथ इस मैच का उद्घाटन किया गया। आज का फाइनल मुकाबला नशा क्लब सिवान बनाम यूनाइटेड क्लब सिवान के बीच रहा, जिसमें यूनाइटेड क्लब सिवान की टीम ने पहले हाफ में गोल दागकर जीत हासिल कर। गोल नाइजीरिया से मेहमान प्लेयर 18 नंबर के जर्सी पहने प्लेयर ने गोल दागा। इन फाइनल मैच के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए थे पूर्व सांसद साधु यादव, महंत सत्यदेव दास, शाहआलमपुर प्रत्याशी बरौली विधानसभा और इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष अमिताभ यादव के साथ भाई बलिस्टर भी पहुंचे हुए थे। देखिए ये मेरा रिपोर्ट मैच उद्घाटन से पहले अतिथिगण सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन से क्या कुछ कहे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। क्रिकेट पसंद करते हैं कि फुटबॉलर? हम फुटबॉलर ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ मैसेज देंगे बरौली के? फुटबॉलर ना ओरिजिनल खेल है, ये तो क्रिकेट बाद में आया है। मैच बहुत अच्छा है, हर साल के बाद इस साल भी हो रहा है। बरौली बहुत शांतिपूर्ण मैच होता है, बहुत सराहनीय यहाँ की जनता है, इसका मैं वेलकम करता हूँ। हम पिछले 9 वर्षों से मैच करा रहे हैं और मैच कराने का उद्देश्य है कि यहाँ के युवाओं में फुटबॉल खेलने का जज्बा और जोश जगे और खेल खेल के फुटबॉल चाहे जो भी खेलो खेल के बच्चे आगे बढ़े। और क्या आने वाले दिनों में इससे बड़ा फुटबॉल करा पाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यहाँ भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बाकी सब देशों का मैच कराने वाले हैं। जब संभव होगा 1-2 साल में हम यहाँ बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान का मैच, श्रीलंका का मैच हम यहाँ कराएंगे। विदेशी प्लेयर कितना आई है आपके ग्राउंड में? विदेशी प्लेयर यहाँ 5 खिलाड़ी फिलहाल आया है और 5ों नाइजीरिया का है और 2 खिलाड़ी नशा क्लब सिवान में है और 3 खिलाड़ी यूनाइटेड क्लब सिवान में है। क्या बरौली बरौली की जनता को सपोर्ट मिला इस मैच के लिए? बिल्कुल बिल्कुल मिला है। बरौली की जनता खेल प्रेमी है, जिसका खेल अच्छा होगा उसके साथ बरौली की जनता रहती है। चलिए शुक्रिया। देखिए बरौली गोल्ड कप तो अपने आप में एक मिसाल है, पिछले 7 वर्षों से बरौली गोल्ड कप होते आया है और आप देख रहे हैं कि आज फाइनल गेम है, अतिथि भी हमारे मौजूद है और सभी दर्शक दीर्घा में लोग जो मौजूद है उनको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फुटबॉल का क्रेज आज भी है और कल भी रहेगा। शुक्रिया सर। काफी मेहनत की है मैच में, कैसा लग रहा है आपको फाइनल? बहुत अच्छा लग रहा है आज फाइनल में, जिस तरह से दर्शकों ने यहाँ पे भीड़ इकट्ठा किया है और यहाँ पे बहुत अच्छा खुशी महसूस हो रहा है कि हम लोग का आज मेहनत सफल की तरफ जा रहा है। क्या लग रहा है आने वाले दिनों में इससे बेहतरीन मैच? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इससे बेहतर जरूर मैच हो पाएगा क्योंकि आज जिस तरह दर्शकों का माहौल है इससे देख कर हम लोग का बहुत उत्साह हुआ है अंदर से। किसको श्रेय देना चाहेंगे इस मैच को जी बनाने में? ये तो श्रेय बड़े भैया अमिताभ भैया को जाता है, जो कि 2013 से लगभग ये मैच करा रहे हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट हम लोग इनके साथ देते हैं। चलिए आपका परिचय। जी मैं बलिस्टर चौहान फ्रॉम कोटवा। शुक्रिया।